नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेन स्किल्स पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कन्फ्यूजन में होंगे कि आप डिग्री करें या डिप्लोमा करें या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करें तो क्या करें, जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा फायदा हो और आपका जो है समय भी बचे और आप क्या है कि आगे जाकर अपना करियर जो बेहतर राह पर लेकर जा सकते हैं। आज हम इसी वीडियो के अंदर है ना पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं इसी से रिलेटेड कि आपको डिप्लोमा करना चाहिए, डिग्री करनी चाहिए या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए, तो पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि अपने कैरियर का चुनाव आप अच्छे से कर पाएं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट के अंदर डिग्री, डिप्लोमा या फिर दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स करें। दोस्तों सबसे पहले हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने के जो है काफ़ी सारे ऐसे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, जिनके अंदर क्या है कि आपको हाउसकीपिंग पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के बारे में भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो दोस्तों जैसे हाउसकीपिंग है, F&B सर्विस है, इसके अलावा F&B प्रोडक्शन है। F&B का मीन्स यहाँ पे फूड एंड बेवरेज दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट ऑफिस के भी शॉर्ट टर्म जो सर्टिफिकेट कोर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आप जॉब क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों पहले बात बताना चाहूंगा कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो दोस्तों आप किसी भी होटल के अंदर जैसे कि 2 स्टार 3 स्टार या फिर 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हायर उनको किया जाता है जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री होती है, या फिर दोस्तों आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि स्टार्टिंग से जो बेस होता है वहां से आपको शुरुआत करनी होती है। इसके अंदर आपको हो सकता है कि आप जिस भी होटल के अंदर आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों एज ए फ्रेशर या फिर दोस्तों आपको ट्रेनिंग के तौर पर आपको क्या है कि जॉब के आपको दी जाती है, यानी कि जॉब जो है ट्रेनिंग दी जाती है आपको, और इसके अंदर हो सकता है कि आपकी सैलरी भी थोड़ी कम रहती है और इसके साथ साथ दोस्तों आपको उतना जो चाहिए था ना वो उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म जो कोर्स होता है ना सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं उसके अंदर आप भी मानते हैं कि दोस्तों एक डिप्लोमा के अंदर या फिर डिग्री के अंदर जो सिखाया जाता है वो एक शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अगर आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको आ सकती है। वहीं अगर दोस्तों डिप्लोमा की हम बात करें तो दोस्तों डिप्लोमा आपका जो है 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या है कि आपको जैसे डिप्लोमा आपका कंप्लीट होता है होटल मैनेजमेंट के अंदर, वैसे ही आपको एक IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको करनी होती है। उस ट्रेनिंग को करने के बाद क्या है कि आप जॉब के लिए आगे अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने डिप्लोमा किया पहले 1 साल, उसके बाद 6 मंथ के आसपास आपकी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद क्या है कि आप जॉब के लिए जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपका एक तो क्या है कि टाइम बचा और आपने एक डिप्लोमा कर लिया। तो डिप्लोमा को क्या है कि होटल मैनेजमेंट के अंदर होता है कि आप क्रूज के अंदर या फिर दोस्तों विदेश के अंदर आप जाना चाहते हैं, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास अगर आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है तो दोस्तों काफ़ी सारी मुसीबतें आपके सामने जो है आ जाती हैं, आपको हो सकता है काफ़ी सारी मुश्किलें आएँ, अड़चनें आएँ। लेकिन दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर लिया उसके बाद आपने IT कर लिया तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं बाहर जाने के लिए। और दोस्तों डिप्लोमा के अंदर आपको क्या है कि पूरे होटल के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, जिससे क्या है जिसका फायदा आपको होटल में जब आप काम करते हैं, जब काम करने जाते हैं यानी कि दो जॉब करते हैं तो आपको काफ़ी सारा फायदा होता है इससे। और इससे क्या है कि जब भी प्रमोट किया जाता है जो भी एम्प्लॉय वगैरह उसको जिसको प्रमोट किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले प्रमोट डिप्लोमा को या फिर डिग्री होल्डर है उनको प्रमोट किया जाता है, ना कि सर्टिफिकेट को। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास कम पैसा है यानी दोस्तों कम पैसे के अंदर आप करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप सर्टिफिकेट के अलावा अगर डिप्लोमा कर लेते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा फायदा इससे मिलता है और आप क्या है कि आउट ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया के अंदर रहकर भी आप क्या है कि काफ़ी अच्छा खासा अपना जो करियर बना सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों डिग्री की बात करें तो दोस्तों डिग्री के अंदर आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ता है, 3 साल से लेकर 4 साल, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वहां की ड्यूरेशन क्या है। इसके अंदर भी आपको क्या है कि पूरे होटल के अंदर जो वर्क होता है, मैनेजमेंट होता है, वो आपको सिखाया जाता है और वो सिखाने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है। उसके बाद भी आपको एक IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको करनी होती है जो कि 6 मंथ के आसपास रहती है, जो 17 वीक या 22 वीक के आसपास या फिर 6 मंथ के आसपास आपकी रहती है। तो दोस्तों वो आपको करनी पड़ती है किसी 4 स्टार या 5 स्टार होटल से, आप वो करके क्या है कि आप आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो डिप्लोमा को वही जॉब मिलती है और जो डिग्री होल्डर है उसी को सेम जॉब के लिए रखा जाता है। लेकिन दोस्तों जब प्रमोट की बारी आती है तो डिग्री को थोड़ा सा पहले या फिर दोस्तों डिप्लोमा को बाद में, लेकिन दोस्तों डिप्लोमा डिग्री एक तरह से सेम ही वहाँ पर देखा जाता है। और आप डिग्री करके भी क्या है कि आगे अपना करियर जो है आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया काम करना चाहते हैं या फिर दोस्तों दूसरी कंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप डिग्री करके भी आप वहाँ पे क्या है कि जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट की बात करें तो डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट रहता है। आप एक कम टाइम के अंदर एक आपको डिप्लोमा भी मिल जाता है, उसके बाद क्या है कि आपके पास करियर बनाने के लिए आपके पास 5 साल भी हो जाते हैं, यानी दोस्तों जो आप डिग्री करने वाले थे तो दोस्तों वो 2 साल आप जॉब करते हैं तो जॉब एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है, जो कि वर्क एक्सपीरियंस आपको आगे जाके काफ़ी
काफी ज्यादा फायदा देता है जब प्रमोट की बारी आती है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे आप काम करते हैं तो नया नया कुछ सीखने को मिलता है और आप सीख जाते हैं। बल्कि आप जब डिग्री निकल के निकलेंगे तो एक ऐसे फ्रेशर के तौर पर आपको रखा जाता है, लेकिन जब डिप्लोमा करके निकलते हैं तो एक साल के अंदर आपका जो डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, और जब तक डिग्री करते हैं 1.5 से 2 साल होते हैं आपके पास जो डिग्री करने वाला टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग आप यहाँ पे जॉब करके बिता सकते हैं। एक तो पैसा आपको मार रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, और आपको क्या है कि प्रमोशन के टाइम पे आपको प्रमोट पहले किया जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस है, एक रियल वर्किंग एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास जो कि इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा डिमांड में है। तो दोस्तों इसलिए आप डिप्लोमा करके आना, आप आउट ऑफ इंडिया भी करियर बना सकते हैं, इंडिया के अंदर भी करियर बना सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट कोर्स ना करके आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। या फिर दोस्तों अगर आप डिग्री करना चाहते हैं, भी आपने सोच लिया है डिग्री करना है, तो डिग्री भी अपनी जगह बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि डिग्री बुरी है। लेकिन दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं कम समय के अंदर एक अच्छा कोर्स करके और आप आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, यानी दोस्तों हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिप्लोमा आपके लिए बेस्ट रहता है। अगर आप डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों एडमिशन रिलेटेड, या फिर दोस्तों कोई भी जानकारी ऐसी है जो आप पाना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो दोस्तों जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप कॉन्टैक्ट करके क्या है कि पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वहां से पूरी जानकारी लीजिए एडमिशन से रिलेटेड, या फिर दोस्तों आप अगर कौन सा कॉलेज बेस्ट है तो दोस्तों वो भी आपको हेल्प इसके अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, उसके बाद पूरी जानकारी लेकर क्या है कि एडमिशन लेकर अपना जो डिप्लोमा करके, या फिर दोस्तों आप आगे अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।